आइए देखते हैं 71वां क्वेश्चन। नाइट बैंक की द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के नवीनतम संस्करण के अनुसार 2021 में विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी की सबसे अधिक संख्या के मामले में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? ऑप्शन ए तीसरी रैंक, ऑप्शन बी चौथी रैंक, ऑप्शन सी पांचवी रैंक, ऑप्शन डी छठवीं रैंक। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए तीसरी रैंक। 72वां प्रश्न, हाल ही में खबरों में रहा जयपुरी जया परमाणु षड्यंत्र किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी यूक्रेन, ऑप्शन सी रशिया, ऑप्शन डी पोलैंड। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी यूक्रेन में जैपोरिजिया परमाणु षड्यंत्र स्थित है। हाल ही में 15वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया गया? ऑप्शन ए ढाका, ऑप्शन बी काठमांडू, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी बैंकॉक। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 15वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया। 74वां प्रश्न, हाल ही में किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया है? ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी पोलैंड, ऑप्शन सी यूक्रेन, ऑप्शन डी मैक्सिको। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात को FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया है। 75वां प्रश्न, सिलिनिक्स नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के ने भाग लिया? ऑप्शन ए भारत और श्रीलंका, ऑप्शन बी भारत और तंजानिया, ऑप्शन सी भारत और मालदीव, ऑप्शन डी भारत और थाईलैंड। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए भारत और श्रीलंका। किसके द्वारा UPI 123 पे भुगतान सुविधा शुरू की गई है? ऑप्शन ए RBI, ऑप्शन बी SBI, ऑप्शन सी HDFC, ऑप्शन सी HDFC, ऑप्शन डी ICICI बैंक। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए RBI। 77वां प्रश्न, किस देश के इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स एरोस्पेस फोर्स ने नूर 2 उपग्रह को निम्न पृथ्वी की कक्षा या लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी UAE, ऑप्शन सी टर्की, ऑप्शन डी सऊदी अरेबिया। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए ईरान। 78वां प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र जो हाल ही में मुंबई में किस कंपनी द्वारा खोला गया है? ऑप्शन ए टाटा समूह, ऑप्शन बी गेल इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन सी अदानी समूह, ऑप्शन डी रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्रुप। उसका सही विकल्प है ऑप्शन डी रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्रुप ने भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में खोला है। हाल ही में किस मंत्रालय ने दान ई पेंशन या डोनेट ए पेंशन अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन सी होम मिनिस्ट्री, ऑप्शन डी एजुकेशन मिनिस्ट्री। और उसका सही विकल्प है ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने हाल ही में डोनेट ए पेंशन अभियान शुरू किया है। स्टडी इन इंडिया मीटिंग किस पड़ोसी देश में आयोजित की गई? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी श्रीलंका। उसका सही विकल्प है ऑप्शन सी बांग्लादेश में स्टडी इन इंडिया मीटिंग आयोजित किया गया। हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शन ए टी राजा कुमार, ऑप्शन बी राणा कुमार राणा, ऑप्शन सी सागर दुबे, ऑप्शन डी रोहित शर्मा। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए टी राजा कुमार को FATF का नया अध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में किस मंत्रालय के साथ साझेदारी में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कन्या प्रवेश उत्सव योजना शुरू की गई है? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरन अफेयर्स। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव योजना शुरू की है। इस राज्य में विश्व स्वास्थ्य संगठन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन खोला जाएगा? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी गुजरात में खोला जाएगा।
भगवान बुद्ध की भारत में सबसे बड़ी झुकी हुई सरस्वती देवी मूर्ति के स्थान पर बनाई जा रही है। ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी सारनाथ। और सही विकल्प है ऑप्शन ए गया में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ में कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की गई है। अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज खेल महासंघ या इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड ISSF विश्व कप 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी मैक्सिको, ऑप्शन सी पेरू, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। उसका सही विकल्प है ऑप्शन ए इंडिया। 87वां प्रश्न, हाल ही में किस आईटी संस्थान में परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए IIT दिल्ली, ऑप्शन बी IIT BHU, ऑप्शन सी IIT रुड़की, ऑप्शन डी IIT मुंबई। और उसका सही विकल्प है IIT रुड़की में परम गंगा सुपर कंप्यूटर एस्टेब्लिश किया गया है। 88वां प्रश्न, किन दो मंत्रालयों ने पारंपरिक भारतीय हस्तशिल्प हथकरघा और कला संस्कृति का जश्न मनाने के लिए झरोखा भारतीय हस्तशिल्प हस्तकरघा कला और संस्कृति का संग्रह नामक एक कार्यक्रम का आयोजन किया? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने। हैदराबाद में सबसे बड़ा डाटा सेंटर कौन सी कंपनी स्थापित करेगी? ऑप्शन ए अमेजॉन, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन डी मेटा। उसका सही विकल्प है ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट। पीएम मोदी ने हाल ही में किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी नासिक, ऑप्शन डी सांगली। और उसका सही विकल्प है ऑप्शन ए पुणे में। वायुसेना अकादमी का नया कमांडेंट किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए पी चंद्रशेखर, ऑप्शन बी अभिषेक त्रिपाठी, ऑप्शन सी राणा सिंह, ऑप्शन डी कुमार गौरव। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए बी चंद्रशेखर को वायुसेना अकेडमी का नया कमांडेंट नियुक्त किया गया है। इंद्रधनुष मिशन 4.0 के तहत टीकाकरण के लिए कौन सा राज्य सूची में प्रथम स्थान पर है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी उड़ीसा। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी उड़ीसा। धनुष मिशन 4.0 के तहत टीकाकरण में सूची में प्रथम स्थान पर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत का पहला 100% महिला संचालित औद्योगिक पार्क किस शहर में शुरू किया गया है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी सूरत। और उसका सही विकल्प है ऑप्शन ए हैदराबाद। यू सुक योल किस देश के अगले राष्ट्रपति होंगे? ताइवान, ऑप्शन बी फिलीपींस, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। उसका सही विकल्प है दक्षिण कोरिया। वोमेन एट वर्क प्रोग्राम हाल ही में किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए कर्नाटका। गूगल मैप्स आधारित स्मार्ट इवेंट ट्रैकिंग सिस्टम सेट्स किसके द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन ए इंडियन रेलवे, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए इंडियन रेलवे द्वारा। हाल ही में जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान या क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका एक्सपीडिशन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे नामित किया गया है? ऑप्शन ए आरुषि वर्मा, ऑप्शन बी अरुणी वर्मा, ऑप्शन सी आरोही वर्मा, ऑप्शन डी अवनी वर्मा। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए आरुषि वर्मा को क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका एक्सपीडिशन के लिए भारत के प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया गया है। 2022 के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन ए रिजवाना हसन, ऑप्शन बी सुहानी हैदर, ऑप्शन सी कुमारी रेवती, ऑप्शन डी
रेखा देवी और उसका सही विकल्प है रिजवाना हसन को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार के लिए चुना गया है 2022 के लिए। रेत समाधि किसके द्वारा लिखी गई है जो हाल ही में खबरों में थी? ऑप्शन ए गीतांजलि सी, ऑप्शन बी धर्मेंद्र कुमारी, ऑप्शन सी शैलजा त्यागी, ऑप्शन डी राम त्यागी तिवारी। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए गीतांजलि श्री के द्वारा रेत समाधि लिखी गई है। हाल ही में कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर विश्व में महिला विश्व कप में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई है? ऑप्शन ए झूलन गोस्वामी, ऑप्शन बी स्मृति मंदाना, ऑप्शन सी हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन डी स्नेहा। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए झूलन गोस्वामी। हाल ही में प्रकाशित लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत को कौन सा रैंक मिला है? ऑप्शन ए 93rd, ऑप्शन बी 92nd, ऑप्शन सी 88, ऑप्शन डी 86th रैंक। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए 93rd रैंक भारत को लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में मिला है। इनमें से कौन पाल दधो नरसंहार से जुड़ा है जो हाल ही में खबरों में था? ऑप्शन ए सन्यासी आंदोलन, ऑप्शन बी मोपाला आंदोलन, ऑप्शन सी एक ही आंदोलन, ऑप्शन सी एक ही आंदोलन, ऑप्शन डी कुका आंदोलन। उसका सही विकल्प है ऑप्शन सी एक ही आंदोलन। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण या इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है या नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए त्रिलोकी सिंह, ऑप्शन बी सुमित कुमार, ऑप्शन सी देवेंद्र सिंह, ऑप्शन डी देवशीष पांडे। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी देवशीष पांडे को पांडा को इरडा के अध्यक्ष रूप में चुना गया है। हाल ही में हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? ऑप्शन ए कतालीन ईवा नोवाकी, ऑप्शन बी जुहिद वर्मा वर्गा, ऑप्शन सी लुज्जा ब्लाहा, ऑप्शन डी स्टेफोनिया मोल्डोवन। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए कतालीन ईवा नोवाकी हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। किस बैंक ने हाउस ऑफ हाउस वर्क इस वर्क पहल शुरू की है शिक्षित महिलाओं को कार्यबल में लाने के लिए? एक्सिस बैंक, ऑप्शन बी एसबीआई बैंक, ऑप्शन सी एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन डी आईसीआईसी बैंक। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए एक्सिस बैंक ने हाउस वर्क इस वर्क पहल शुरू की है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री छात्र श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी सिक्किम। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी त्रिपुरा ने मुख्यमंत्री छात्र श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अम्मा और वाहिनी योजना शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। और इसकी सही विकल्प है ऑप्शन ए सिक्किम ने अम्मा और वाहिनी योजना शुरू करने की घोषणा की है। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश को स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस 2021 इंडेक्स या रैंकिंग में पहला स्थान मिला है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश सरकार, ऑप्शन बी दिल्ली सरकार, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन सी हरियाणा सरकार ने। हाल ही में इनमें से किसने वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर लॉन्च किया है? गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, बिजली मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय? उसका सही विकल्प है ऑप्शन सी बिजली मंत्रालय ने। हाल ही में किस मंत्रालय ने विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार प्रदान किया? ऑप्शन ए श्रम और रोजगार मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। उसका सही विकल्प है ऑप्शन ए श्रम और रोजगार मंत्रालय। G7 कृषि मंत्री वैश्विक खाद्य सुरक्षा की आभासी बैठक कौन करेगा? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी पोलैंड। और इसका सही विकल्प है जर्मनी। फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट में भारत को कौन सा रैंक दिया गया है? ऑप्शन ए 65वां, ऑप्शन बी 66वां, ऑप्शन सी 67वां, ऑप्शन डी 68वां। उसका सही विकल्प है ऑप्शन बी 66वां स्थान दिया गया है भारत को फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 में जो है।
14वां प्रश्न, हाल ही में 2022 के वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? ऑप्शन ए टाइगर वुड्स, ऑप्शन बी जॉन एडम्स, ऑप्शन सी सी स्मिथ, ऑप्शन डी पी केसी, और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए टाइगर वुड्स को। हाल ही में किस शहर में साहित्य शो कार्यक्रम का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी गैंगटॉक, ऑप्शन डी शिमला। ऑप्शन ए न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। हाल ही में पुंछा कृषि मेला का आयोजन कहाँ या किस शहर में किया गया? ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी भोपाल, और उसका सही विकल्प दिल्ली। न्यू दिल्ली में पूसा कृषि मेला 2022 आयोजित किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 150.4 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश, और उसका सही विकल्प है ऑप्शन सी तमिलनाडु ने सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। कौन सी टीम देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गई है? ऑप्शन ए राजस्थान रॉयल्स, ऑप्शन बी कलकत्ता नाइट राइडर्स, ऑप्शन सी चेन्नई सुपर किंग्स, ऑप्शन डी मुंबई इंडियंस, और उसका सही विकल्प है ऑप्शन सी चेन्नई सुपर किंग्स। भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन रेलवे किस क्षेत्र में किया गया? ऑप्शन ए पूर्वी रेलवे, ऑप्शन बी पश्चिमी रेलवे, ऑप्शन सी सेंट्रल रेलवे, ऑप्शन डी उत्तरी रेलवे, और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए पूर्वी रेलवे में। यूडाइस हाल ही में खबरों में था या किस मुद्दे से संबंधित है? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी खेल, ऑप्शन सी स्वास्थ्य, ऑप्शन डी राजनीति, और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए शिक्षा से। हाल ही में किस शहर में इंद्राणी मेडी सिटी खोली जा रही है जो भारत का पहला मेडिकल सिटी होगा? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी मदुरई, ऑप्शन डी गैंगटॉक, और उसका सही विकल्प है ऑप्शन ए पुणे। काला तालाब जो हाल ही में खबरों में था जहां 50 से अधिक मगरमच्छ मारे गए किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश, और इसका सही विकल्प है ऑप्शन सी राजस्थान। कोलगेट पामलीव इंडिया लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ के कौन होंगे? ऑप्शन ए प्रभा नरसिंहानी, ऑप्शन बी कुमारी गौरी, ऑप्शन सी रानी देवी, ऑप्शन डी प्रांजल तिवारी, और उसका सही विकल्प है ऑप्शन ए प्रभा नरसिंहानी। ग्लोबल फार्मा प्रमुख लुपिन लिमिटेड ने अपने शक्ति अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे घोषित किया है? ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी मैरी कॉम, ऑप्शन सी आलिया भट्ट, ऑप्शन डी स्मृति मंधाना, और इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी मैरी कॉम। हाल ही में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अजय भूषण पांडे, ऑप्शन बी महाराणा सिंह, ऑप्शन सी कौशल शर्मा, ऑप्शन डी अमर कुमार, और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए अजय भूषण पांडे को। यूक्रेन में भारतीय दूतावास और को अस्थायी रूप से किस देश में स्थानांतरित किया गया या किया जाएगा? ऑप्शन ए पोलैंड, ऑप्शन बी लेबनान, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी हंगरी, और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए पोलैंड। स्कूली बच्चों के लिए एक विशेष कार्यक्रम जिसे युवा विज्ञान कार्यक्रम या युविका या युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम कहा जाता है किस निकाय या संस्था द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी एजुकेशन मिनिस्ट्री, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी इंडियन रेलवे, और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए इसरो। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 मार्च, ऑप्शन बी 12 मार्च, ऑप्शन सी 14 मार्च, ऑप्शन डी 16 मार्च, और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए 14 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स मनाया जाता है। जर्मन ओपन 2022 में पुरुष एकल फाइनल में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय शटलर कौन है? ऑप्शन ए प्रकाश पादुकोण, ऑप्शन बी लक्ष्य सेन, ऑप्शन सी के श्रीकांत, ऑप्शन डी पुलेला गोपीचंद, और इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी लक्ष्य सेन। हाल ही में राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा यूएसए के लिए नीदरलैंड के राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शन ए प्रीति वर्मा, ऑप्शन बी प्रांची शर्मा, ऑप्शन सी शगुन चौहान, ऑप्शन डी शेफाली राजस्थान दुग्गल, और उसका सही विकल्प है ऑप्शन डी शेफाली राजस्थान दुग्गल को यूएसए के लिए नीदरलैंड के राजदूत के रूप में नामित किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के नया परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए
गांधीनगर, ऑप्शन बी सूरत गुजरात, ऑप्शन सी लखनऊ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी पटियाला पंजाब। उसका सही विकल्प है ऑप्शन ए गांधीनगर गुजरात में। सार्स थ्री क्या है जो हाल ही में खबरों में था? रेडियो टेलीस्कोप, न्यूक्लियर पावर प्लांट, फाइटर जेट और एयर टू एयर मिसाइल। उसका सही विकल्प है ऑप्शन ए रेडियो टेलीस्कोप। भारत की पहली स्वदेशी कोविड 19 दवा का नाम विनकोव 19, डिनकोव 19, लेकोव 19 और सेलकोव 19। और उसका सही विकल्प है ऑप्शन ए विनकोव 19। भारत की पहली स्वदेशी कोविड 19 दवा का नाम। किस राज्य द्वारा डिजिटल भूमि रिकॉर्ड को घर घर पहुंचाया जाएगा? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी ए बिहार। केंद्र सरकार ने किसे दूर संचार विवाद निपटान और अपीली न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है? टीडी साइट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन ए धीरू भाई नारायण भाई पटेल, रोहन वर्मा, ऑप्शन सी राम सिंह, ऑप्शन डी अरुण गर्ग। और उसका सही विकल्प है ऑप्शन ए धीरू भाई नारायण भाई पटेल को। खेल महाकुंभ के 11वें संस्करण की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में की जो हाल ही में खबरों में रही? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी बेंगलुरु। और उसका सही विकल्प है ऑप्शन बी अहमदाबाद में। हाल ही में किस राज्य ने अदावी ट्राइबल प्लांट लॉन्च किया है? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। और उसका सही विकल्प है ऑप्शन ए केरला ने अदावी ट्राइबल प्लांट लॉन्च किया है। हाल ही में भारत का पहला बाल बजट किस राज्य सरकार द्वारा पेश किया गया? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश ने भारत का पहला बाल बजट पेश किया। चिली के नए और 36वें राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए ग्रेबियल बोरीफॉन्ट, रॉबर्ट के गोपक मेट्रो और पेट्रो रसो। और उसका सही विकल्प है ऑप्शन ए ग्रेबियल बोरीफॉन्ट को। हाल ही में किस मंत्रालय ने जेंडर संवाद कार्यक्रम शुरू किया? ऑप्शन ए ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। उसका सही विकल्प है ऑप्शन ए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने।